Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 9 June of 2020 and it's a Tuesday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं. जैसा आपको हमने कल भी बताया था, आप सभी जानते होंगे जैसे मॉल्स कैफेज री ओपन टू अ न्यू नॉर्मल, कि जो मॉल्स कैफेज हैं और क्या कहते हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं या मॉल है या रेस्टोरेंट है, वो सब खोल दिए गए हैं. कल से खोल दिए गए सारे, और क्या कहते हैं उनमें सब गाइडलाइंस दी गई है सबको. कुछ क्या कहते हैं कि सैनिटाइजिंग पहले होगा सबका, और पहले चेकअप होगा कि कोविड पेशेंट है कि नहीं, तभी अंदर जाने की आगे दी जाएगी. और क्या कहते हैं कहीं कहीं तो धार्मिक स्थलों में क्या कहते हैं नोट किया जा रहा है कि कौन कौन आ रहा है मंदिर या जो भी रिलीजियस प्लेसेस जा रहा हो, तो क्या कहते हैं वहाँ पे नोट किया जा रहा है कि वो कौन कौन है, उसके बारे में पता होता नंबर मोबाइल ऐसे किया जा रहा है. ऐसे मॉल में भी कई जगह हो रहा है कि लिफ्ट एक एक क्या कहते हैं एक स्टेप छोड़ के लिफ्ट में खड़े हो रहे हैं लोग. ऐसे कई गाइडलाइंस वो लोग फॉलो कर रहे हैं. आज की दूसरी न्यूज़ देखते हैं. मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव, क्या कहते हैं ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है. होम डिफेंस मिनिस्टर हमारे क्या कहते हैं मिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मिलिट्री लेवल टॉक्स पॉजिटिव, कि जो इंडिया चाइना के बीच में बातें हुई हैं मिलिट्री लेवल के, जो चाइनीज ट्रूप आ गए थे LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो हम लोग कई बार देख चुके हैं LAC क्या है, बार बार देख चुके हैं कई बार, तो आज नहीं देखेंगे. आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें आपको मिल जाएगा. LAC सर्च करेंगे क्वेश्चन आर में, आप LAC सर्च करेंगे तो आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा LAC के बारे में, कहते हैं चुशुल मोडो रीजन में जो टॉक हुई है उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर कहा है कि वो क्या कहते हैं वो बातें पॉजिटिव रूप में आई हैं. इस न्यूज़ में कहा गया है कि मिलिट्री लेवल टॉक्स दैट टुक प्लेस ऑन June 6 हैड बीन वेरी पॉजिटिव. बोथ इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड दैट दे विल कंटिन्यू टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट. इसमें कहा गया है कि जो 6 जून को बात हुई है चुशुल मोडो रीजन में, जो चाइनीज साइड पर पड़ता है, तो क्या कहते हैं उस पर वहाँ पर जाके दोनों के कमांडर ने मिलिट्री क्या कहते हैं दोनों मिलिट्री कमांडर ने बात की है जाके वहाँ पर. वो उन्होंने एग्री किया है दोनों क्या कहते हैं चाइना के भी इंडिया ने कि इस डिस्प्यूट को कम किया जाएगा और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जो इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर के में बीच में चल रहा है. इसमें यह भी कहा गया टॉक्स फॉर ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना और एट द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल्स, कि दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल दोनों के उसमें हैं. द लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड एंड दे विल नॉट अलाउ इंडिया सेल्फ रिस्पेक्ट टू बी हर्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है कि क्या कहते हैं कि जो लीडरशिप है कंट्री की वो अच्छे मजबूत हाथों में है. ऐसा वो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं क्या कि लीडरशिप क्या कहते हैं मजबूत हाथों में, और हम लोग इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कहते हैं हर्ट नहीं करेंगे. Earlier in the day, Mr. Singh reviewed the situation along the China border with the chief of the defense staff and the 3 service chiefs. और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना बॉर्डर में along with the China border reviewed the situation, कि डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना बॉर्डर की सिचुएशन को रिव्यू किया चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के साथ और 3 और सर्विस चीफ्स थे. अब देखिए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है कौन. Chief of the Defence Staff, the outgoing Army Chief General Bipin Rawat has been appointed at the country's first Chief of Defence Staff. जो Army Chief थे जो बिपिन रावत, उन्हीं को ही Chief of Defence Staff बनाया गया, पहला Chief of Defence Staff बनाया गया. As per the notification by the government, the upper age limit for the CDS has been fixed at 65 years. कि 65 years तक की limit है कि उसके बाद retirement हो जाता है Chief of the Defence Staff का, ऐसा फिक्स किया है गवर्नमेंट ने 65 इयर्स, और उसका टेन्योर CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नहीं फिक्स किया है. इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ही विल बी द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एज सजेस्टेड बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी इन 1999. और क्या कहते हैं ऐसा कहा गया है कारगिल रिव्यू कमेटी जो 1999 की है, उसने कहा है कि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होगा गवर्नमेंट के लिए, कि मिलिट्री के बारे में जो डिस्प्यूट होते रहते हैं बॉर्डर वॉर्डर के बारे में और भी कई मिलिट्री इश्यूज आए थे उसके बारे में ये जानकारी देगा और एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को. CDS ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द 3 सर्विसेज, और ये तीनों सर्विसेज को की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करेगा और देखेगा. इसकी कंडीशन है ही विल बी अ 4-star general.
उसकी कंडीशन क्या है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की, कि वो एक 4-स्टार जनरल होगा, नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ CDS। और ऐसा कहा गया कि CDS के बाद वो कोई और गवर्नमेंट ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकता। नो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रियर अप्रूवल फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ CDS। वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकता 5 साल तक, क्या कहते हैं उसका टेन्योर ख़त्म, CDS का टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी 5 साल तक वो किसी प्राइवेट उसमें भी नहीं जा सकता है। रोल्स एंड फंक्शन देख लेते हैं इसका क्या है। CDS विल प्रोवाइड सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, ये तो हम लोग ने देख लिया कि वो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, इंजेक्ट सिनर्जी इन प्लानिंग प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक इन द आर्म फोर्सेज, कि वो प्लानिंग में प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक जो होंगी आर्म फोर्सेज की उसके बारे में क्या कहते हैं एडवाइस करेगा, और क्या कहते हैं बताएगा कि ये कर सकते हैं तो इससे बढ़ सकती है ताकत हमारी मिलिट्री पावर, तो ये सब बताएगा। इट विल इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ लैंड एयर सीज ऑपरेशन थ्रू द इवेंचुअल सेटिंग अप ऑफ थिएटर कमांड्स। ये क्या कहते हैं तीनों को देखेगा, इन लैंड सी और क्या कहते हैं एयर, तीनों क्या कि मिलिट्री फोर्स को, नेवी को और एयरफोर्स तीनों को ये देखेगा, ओवर सीज करेगा कि ये एक साथ रहे, इंटीग्रेशन रहे, इंटीग्रेशन ऑफ लैंड एयर सीज ऑपरेशन। द CDS विल ऑल्सो फंक्शन एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द PM, लेड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एज है ऑल्सो हैव डायरेक्ट कमांड ऑफ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, की वही सब देखेगा। और ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होगा डिफेंस मिनिस्टर के लिए, और एक परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होगा, परमानेंट चेयरमैन होगा ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। CDS डिफेंस एक्वेशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी मेंबर होगा, इसका भी मेंबर होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या द चार्टर ऑफ द CDS इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली विल प्रिपेयर द 15 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज फॉर द वार्स ऑफ द फ्यूचर, कि ये 15 लाख आर्म फोर्सेज बनाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज बनाएगा अगर फ्यूचर में कोई वॉर हो उसके लिए। द CDS इज मैंडेटेड टू इंश्योर द आर्मी नेवी एंड IAF विच ओपन पुल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ये एक साथ रखेगा तीनों फोर्सेस को, आर्मी नेवी और इन एयरफोर्स को, कि कहते हैं जिससे कभी आगे ज़रूरत पड़े वो एक साथ काम कर पाए, और उनको इंटीग्रेट करेगा और यही सब देगा बिकॉज ऑफ द बेलिंग प्लेन पेंशन बेस एंड ऑनगोइंग फंड क्रंच फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन भी करेगा, ये सब इसका रोल हो गया। देखते हैं अगली न्यूज़। LG ओवर रूल दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट COVID-19 ट्रीटमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजवाल इन हिज कैपेसिटी एज चेयरमैन ऑफ द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल बैजवाल, वो क्या कहते हैं वो जो चेयरमैन है वो चेयरमैन भी है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी का डिसीजन है कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ दिल्ली के लोग देखेंगे, उसको वो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं, और कि टू दोज ब्यूरिंग डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कि वो जो मांग रहे हैं कि आप रेजिडेंस का प्रूफ दिखाइए तभी हम आपको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, उन्होंने इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। टेस्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ पेशेंट भी फॉलोड विदाउट एनी डिविएशन इफेक्टिवली ओवरटर्निंग द आप्स गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर टेस्ट ओनली फॉर सिम्पटेटिक पेशेंट्स, उन्होंने ये सब किया है। अब देख लेते हैं ये क्या कहते हैं LG है क्या, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली, ये कहते जब जो यूनियन टेरिस्ट्रीज होती हैं उसमें एडमिनिस्टर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको एडमिनिस्टर कैसे कहते हैं, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, एक आदमी के द्वारा उसे ही लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, गवर्नर कहा जाता है। द LG ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उसके पास काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इम्प्लीमेंट, जैसे लॉ और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, लॉ को फॉलो करवाना या देखना कि फॉलो हो रहा है लॉ कि नहीं, डेट फॉलो हिम टू एक्सरसाइज इन पावर इन मैटर कनेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर इफ इट इज सो प्रोवाइडेड अंडर एनी ऑर्डर इशूड बाय द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली पुट द LG एंजॉय ग्रेटर पावर्स, कि ये वो देखते हैं कंसल्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ वहाँ के दिल्ली के, कि कहते हैं वहाँ पे फॉलो हो रहा है ऑर्डर कि नहीं जो गवर्नमेंट वो प्रेसिडेंट द्वारा क्या कहते हैं बनाया गया है, क्या कहते हैं लॉ,
अंडर 239 आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, जो पब्लिक ऑर्डर में है, पुलिस में है, कि उस पर है क्या लैंड पे है, उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। वाइल द एल जी इज ऑल्सो गाइडेड एज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के द्वारा गाइड किया जाता है, और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 के द्वारा भी क्या कहते हैं गाइड किया जाता है। आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 क्लियरली अंडरलाइन दैट दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी वेयर द सेंटर हुज आइज एंड ईयर्स आर द LG। कि ऐसा कहा गया कि इन दोनों जो आर्टिकल 239 है और आर्टिकल 239 AA के द्वारा, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट के 1991 के द्वारा देखा जाता है सेंटर, इसमें यही सब बात की गई है। तो देखते हैं अब अगली न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये एक ऐसी न्यूज़ है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कि बोनैंजा फॉर असम टीचर अहेड ऑफ पोल्स। इस न्यूज़ में बताया गया है कि असम गवर्नमेंट ने, जो वहाँ के फाइनेंस वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के कारण काफ़ी लोग अपने होम स्टेट आ रहे हैं, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गए लोग, तो उसके कारण उन्होंने 46,150 कॉन्ट्रैक्टल टीचर्स को अपॉइंट किया है, जिससे वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में क्या कहते हैं पढ़ा सके, पढ़ाएँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। और क्या कहते हैं इसमें कोई ये परमानेंट नहीं होंगे, ये क्या कहते हैं 60 साल तक काम कर सकते हैं, इसमें इनका कोई परमानेंट नहीं किया जाएगा इनको। इन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि ये पोल्स जो होने वाले 2021 में आसाम में, उसके कारण ये सब किया गया है, इसमें न्यूज़ में ये दिया गया। देखते हैं अगली न्यूज़, देखते हैं आज का एडिटोरियल। स्टेप बाय स्टेप टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन टू द LAC स्टैंड ऑफ बट अ स्टार्ट हैज़ बीन मेड। कि इसमें बताया गया है कि जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में टॉक हुई है, वो एक क्या कहते हैं एक LAC का क्या कहते हैं रिजोल्यूशन स्टॉप नहीं कर पाएंगी, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी, लेकिन तब भी एक स्टार्ट तो शुरू हुई है, तो ये कर भी सकती हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी फ्राइडे को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल इन दिल्ली एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर काउंटरपार्ट्स इन बीजिंग, उन दोनों के जो एक क्या कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थे जो दिल्ली में थे और वहाँ के बीजिंग में, दोनों के बीच में बात हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। फिर उसके बाद सैटरडे को फिर ले कॉप्स कमांडर विद द साउथ जिनपिंग मिलिट्री रीजन कमांडर, दोनों की बात हुई चुशुल मोडो रीजन में जो चाइना की साइड में है LAC में, तो वहाँ पे बात की गई। और इसका इन दोनों का दोनों की बात में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है कि दोनों रिजॉल्व करना चाह रहे हैं डिस्प्यूट, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, उसमें यही बताया गया है आर्टिकल में। ऐसा इन डिज़ायर कि टू रिजॉल्व द सॉल्यूशन द सिचुएशन, उसमें यही कहा गया कि दोनों ही कंट्री इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। द MEA एंड द MFA, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव ऑल्सो रीट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू अबाइड बाय एग्रीमेंट्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेजिडेंट जिनपिंग विच केम आफ्टर द लास्ट बिंग स्टैंड ऑफ एट डोकलम इन 2017 नॉट डिफरेंस टू एस्केलेट टू डिस्प्यूट्स। कि जो एग्रीमेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिनपिंग के बीच में, वो क्या कहते हैं जो डोकलम में हुआ था डोकलम का 2017 में, तो उसको भी डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे ये डिस्प्यूट, तो उसको भी देखा जाएगा। जो फिंगर ये क्या कहते हैं डिस्प्यूट मेनली उस जगह के लिए जो फिंगर एरियाज हैं पैंगोंग टीसू गालवान वैली और गोगरा पोस्ट जो है लद्दाख में उसके लिए, और नाकुला पास जो सिक्किम में है वो उसके लिए है। आप ये सिक्किम में दो और पास है, ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले के वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिक्किम में और दो कौन कौन से पास हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनी टी विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी टू डिसाइड हाउ टू री डी इंडक्ट सोल्जर्स, फर्दर मोर स्टेटस क्यू एंटे विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स विकेट एरिया वे दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ। स्टेटस को एंटे का मतलब भी आप क्या कहते हैं स्टॉप करके वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि स्टेटस को एंटे का मतलब होता क्या है, क्या कहते हैं कि फिर मैं बताता हूँ। स्टेटस को एंटे का मतलब होता है कि जो पहले की कंडीशन थी, जो अर्लियर कंडीशन थी उसमें वापस जाना,
स्टेटस को इंटेक मतलब होता है। इसमें वही बताया गया कि जो चाइनीज़ सोल्जर्स जो इस वक्त कहते हैं कई हफ्तों से एक जगह जो कब्जी वो बैठे हैं बैठ गए हैं, उनको वापस जाना चाहिए और पहले कंडीशन को फिर से लेना करना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है, वेयर हैज़ द स्टैंड ऑफ एमर्ज्ड एट ऑल आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन इन वुहान एंड मापला टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट एट द एलएसी, कि ये स्टैंड ऑफ हुआ ही क्यों। इसमें ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ये स्टैंड ऑफ हुआ ही क्यों जब ये हुआ ही क्यों जब क्या कहते हैं इतनी कन्वर्सेशन हुई, समिट लेवल कन्वर्सेशन हुई वुहान में मापलापुरम में, इतनी कन्वर्सेशन हुई एलएसी के बारे में, तो क्या कहते हैं ये ट्रस्ट बनाने के लिए तब भी ये क्या कहते हैं स्टैंड ऑफ हुआ क्यों, ऐसा क्वेश्चन इसमें अराइज किया गया है। गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट दस फार इट इज़ अनलाइकली डैट इट वुड पुट आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन पब्लिकली, कि इसके आंसर इन क्वेश्चन के पब्लिकली आंसर करने चाहिए, लेकिन ऐसा वो करेगी नहीं गवर्नमेंट क्योंकि साइलेंट है इस वक्त गवर्नमेंट। फिर दूसरा आर्टिकल आता है सेलिंग स्पेस, स्पेस एक्स मिशन कैरिंग ह्यूमंस टू स्पेस मार्क्स अ न्यू एज इन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, कि आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा न्यूज़ में था कि स्पेस एक्स मिशन जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसने एस्ट्रोनॉट्स दो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दो एस्ट्रोनॉट्स का नाम क्या है जिस जो स्पेस एक्स मिशन से क्या कहते हैं स्पेस स्टेशन में गए हैं, कहते हैं स्पेस में गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्पेस एक्स मिशन ने किन दो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। इसमें यही बताया गया कि अमेरिकन सॉइल आफ्टर गैप ऑफ 9 ईयर्स इज माइलस्टोन इंटरसेप्ट, कि अमेरिका ने क्या कहते हैं 9 साल बाद लोगों को भेजा है क्या कहते हैं स्पेस में। नासा में नासा ने तब से नहीं भेजा जब से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और लोग मारे गए थे जो वापस आ रहे थे स्पेस से, तब से नासा ने बंद कर दिया था लोगों को भेजना, लेकिन इसके बाद ये 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई गया है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है नासा और एलन मार्क स्पेस एक्स, स्पेस एक्स एलन मार्क की कंपनी है जो एक साउथ अफ्रीकन थे उनकी, ये एलन मार्क कंपनी है। US has been paying the Russian $80 million to put one astronaut into space ever since they stopped NASA's human space launch program. कि इससे पहले नासा को $80 मिलियन देने पड़े थे रशिया को कहते एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए, जब से नासा ने बंद किया था ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम ह्यूमन को कहते हैं स्पेस में भेजने के लिए। जैपनीज बिलियनर यूसेन मेजो हैज़ ऑलरेडी साइन अप अ पोटेंशियल ट्रैवलर टू द मून एंड बैक, कि जैपनीज जो एक जापान के बिलेनियर हैं उन्होंने यूसाकू माइजावा उन्होंने पहले ही साइन कर लिया इसका पुट एक क्या कहते हैं फाइ एग्रीमेंट कि वो ट्रैवल करेंगे मून तक और वापस भी आएंगे, ये स्पेसएक्स के साथ थी उन्होंने साइन किया है। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो ओपन द स्पेस सेक्टर इंक्लूडिंग इसरो फैसिलिटी टू प्राइवेट प्लेयर्स, इंडिया ने भी क्या कहते हैं अंडर पीएम मोदी क्या कहते हैं ओपन किया है स्पेस सेक्टर की इसरो के लिए कि वो भी प्राइवेट पार्टनर्स क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करें जिससे प्राइवेट लोग भी प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके। इंडिया हैज़ नॉट विटनेस सच ह्यूज एक्सपेरिमेंट स्पेस एक्सेप्ट बाय द स्टेट लेड इसरो, इंडिया ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा नहीं क्या कहते हैं देखा है आज तक इसरो के अलावा। इट्स मोस्ट रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन बींग द मार्स ऑर्बिटर मिशन, सभी आपको पता है कि मॉम के बारे में मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में जो लगभग 7 रुपये कॉस्ट कर रहा है हर किलोमीटर के लिए, जो ऐसा मानना जाता है कि जो ऑटो रिक्शा से भी सस्ता है जैसा मिस्टर मोदी ने खुद ही कहा है। द स्ट्रेट रोल एज अ जस्ट ऑर्बिटर इन फाइंडिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन आर्टिकुलर एडवेंचर एंड वेसल इंटरेस्ट इन द प्रीक्विस्ट टू कम्पीट इन स्पेस विद सुपर पावर्स, इसमें कहा गया कि अगर इंडिया कम्पीट करना चाहता है सुपर पावर कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ, तो उन्हें भी कहते हैं और भी लोगों का इंटरेस्ट जगाना होगा जिससे प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके और लोग इसमें इंटरेस्ट लें तो और कहते हैं इसरो काम कर सके, तो ऐसे ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च हो सके और इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज बन पाए, जिसमें वही बताया गया। देखते हैं अगला एडिटोरियल, आज हम यह एडिटोरियल देखेंगे द क्रिटिकल रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेस, लिखा गया MA Oman द्वारा। Strategies in tackling the COVID-19 crisis must include local governments being equipped and physically empowered. इसमें यही बताया गया है कि जो कि COVID-19 को टैकल करने में ये सब हेल्पफुल कर सकती हैं स्ट्रेटजीज। इसमें है कि द नोवल
कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट होम द क्रिटिकल रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सेज, कि लोकल गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इस पेंडेमिक ने, और उसका क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सेज की उसका उसका जो डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिटिकल रोल हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एंड इमीडिएट एक्शन लोकल गवर्नमेंट्स आर एट एन एडवांटेज एंड इमिनेटली टू मीट एनी डिजास्टर सच एज कोविड-19। और लोकल गवर्नमेंट हर एडवांटेज में है कि वो अब इसके बाद किसी भी डिजास्टर कोविड-19 जैसे डिजास्टर को देख पाएगी और रोल प्ले कर पाएगी अच्छा, जिससे ये कंट्रोल किया जा सके। स्टेट्स अवेलिंग देमसेल्फ ऑफ द इनहेंस बोरिंग लिमिट्स, कि स्टेट्स ने जो बोरिंग लिमिट्स हैं उनकी 3.5% उनको इंक्रीज करके 5% किया है ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GSDP फॉर 2021 इज़ अनवॉरेंटेड, वो और अनवॉरेंटेड है। द रिकॉग्निशन दैट लोकल गवर्नमेंट शुड बी फिशली एम्पावर्ड इमिजिएटली इज़ अ वैलिड सिग्नल फॉर द फ्यूचर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, कि ये सब कि फ्यूचर लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एक ये साइन बनाता है कि कोविड-19 चार मेजर चैलेंजेस करता है, कि इकोनॉमिक के लिए, हेल्थ के लिए, फिर उसके बाद वेलफेयर लिवलीहुड लोग कैसे रह रहे हैं, और क्या कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है लोग इधर से उधर हो रहे हैं, और जो इकोनॉमिक दिक्कतें आई हैं उनको हेल्थ केयर में जो प्रॉब्लम हुई है, ये चार चैलेंजेस रेज करता है। इसमें से फर्स्ट है द न्यू नॉर्मल डिमांड्स अ पैटर्न शिफ्ट इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। जैसे आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आया है, लोग क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें में हेल्थ केयर के कारण। दूसरा है इसका चैलेंज कि द पैलर बॉडीज हैव दैट हैव कम अप आफ्टर द 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव कंसिडरेबली डिसऑर्डर्ड द फंक्शन फ्लो मैट्रिक्स एट द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, कि दोनों गवर्नमेंट पैलर जो काम करती थी वो अब एक साथ काम करने की कोशिश कर रही है। थ्री, ये देयर इज नो येट क्लैरिटी इन द कंसाइनमेंट ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल गवर्नमेंट्स। कि फोर्थ है द क्रिटिकल रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, और कुछ सजेशन भी दिए गए हैं। सजेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए तीन हेड्स के द्वारा, लोकल फाइनेंस के द्वारा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा, MP-LATs और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। आइए देखते हैं MP-LAT के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और ये 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP-LATs। द लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम नोन एज MP-LAT इज अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च ऑन, इनको MP-LATs को लॉन्च किया गया था, स्कीम को लॉन्च किया गया था 23rd December 1993 को। दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम वॉज डेवलप्ड इन एज एन इनिशिएटिव टू इनेबल द पार्लियामेंट मेंबर टू डिकमेंट डिप्लोमेटिक वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क कर सकें। दिस डेवलपमेंट वर्क मेनली फोकस ऑन द एरियाज ऑफ नेशनल प्रायोरिटी सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इन सब फैक्टर्स में देख सकें, ड्रिंकिंग वाटर्स में, एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स में, इन सब में ये काम कर सकें। द स्कीम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MP-LATs वॉज स्टार्टेड बाई लेट प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिम्हा राव के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी MP-LAT स्कीम। द स्कीम इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन बट वॉज इनिशियली एडमिनिस्टर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, अब लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। अब देख लेते हैं थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है जो स्टेट सेंटर और स्टेट्स के बीच में रहता है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो डिसाइड्स द शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स टू बी गिवन टू द लोकल बॉडीज एंड स्टेट्स। द फाइनेंस कमीशन हैज चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। इसका फाइनेंस कमीशन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर 5 साल के अंदर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर ये नोट करिएगा कि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट फिर से किया जा बनाया जाता है, इसके मेंबर को फिर से इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल के अंदर। द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर
2017 to give recommendation for vertical and horizontal devolution of taxes for 5 fiscal years commencing 1 अप्रैल to 2020. इन क्या कहते हैं वही कि बनाया गया है इसको, इनके मेंबर को लेकर गया नवंबर 2017 में कि वो जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सके 1 अप्रैल 2020 से. इसका 15 फाइनेंस कमीशन है, वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नवंबर 2000. ये क्या कहते हैं एन के सिंह के चेयरमैनशिप के अंदर इसे बनाया गया है. इट्स रिकमेंडेशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम अप्रैल 20 टू मार्च 2025. और इसका रिकमेंडेशन कवर करेगा पीरियड अप्रैल 2020 से इस साल के 2020 से और 2025 के मार्च तक ये कवर किया जाएगा. देखते हैं अब एडिटोरियल को आगे देखते हैं. द इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स आउट दैट आर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 44% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम और ओन सोर्सेज से बनाती है, जो 5% रूरल लोकल एम्प्लॉयमेंट से बनता है. पर कैपिटा ओन रेवेन्यू कलेक्टेड बाई ULGC अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट 3% ऑफ द अर्बन पर कैपिटा. वो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से जनरेट होता है वो 3% है अर्बन क्या कहते हैं अर्बन का पर कैपिटा. इसमें ये सब बताया गया है. इसमें ये भी कहा गया है कि दिस प्रोटेंट्स आर रॉन्ग सिग्नल. द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया इन 2017 इज ओनली 0.14% ऑफ GDP एज अगेंस्ट 2.1% इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज. इसमें यही सब बताया गया कि लैंड मोनेटाइजेशन और बेटर लेवाई में भी ट्राइड इन द कॉन्टेक्स्ट COVID-19 के लिए लैंड मोनेटाइजेशन होना चाहिए और बेटरमेंट लेवे होना चाहिए, सब होना चाहिए. इसमें यही बताया गया स्पेशल COVID-19 कंटेनमेंट ग्रांट टू द LGs बाय द FFCs टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ SFCs लैंड क्राइटेरिया इज द नीड ऑफ द आर, कि जो COVID-19 के कारण की दिक्कतें आ रही उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को FFCs के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखना चाहिए और इसके एक क्राइटेरिया के द्वारा SFCs क्राइटेरिया के द्वारा इसमें बांटना चाहिए. द लोकल गवर्नमेंट ग्रांट की लोकल गवर्नमेंट ग्रांट करती है 90,000 करोड़ 2020-21 में. इसमें यही सब बताया गया है. इसमें ये भी कहा गया है कि द फ्लड ड्रॉट एंड अर्थक्वेक्स आर टेकन केयर बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कि ये भी देखा जाता है कि फ्लड ड्रॉट और अर्थक्वेक आया हो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा 2005 द्वारा कि तो आया हो तो उसमें अलग अलग कंट्री में तो उसमें वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन चीज़ों में तो कैसे हल किया जा सकता है ये भी बताया गया है. तो इसमें लास्ट में ये भी कंक्लूड किया गया है कि द COVID-19 हैज वोकन अप टू द रियलिटी दैट लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी इक्विप्ड एंड एम्पावर्ड, कि लोकल गवर्नमेंट्स को और इक्विपमेंट होना चाहिए कि और प्रिपेयर्ड होना चाहिए जिससे और एम्पावर्ड होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए जिससे वह इस इन तरह की कंजेशन को क्या कहते हैं रिजॉल्व कर सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो. रिलेवेंट एक्शन इज द क्रिटिकल नीड. रिलेवेंट एक्शन रिलेवेंट क्या कहते हैं जैसे जो प्रॉब्लम है उसका रिलेवेंट एक्शन करना चाहिए तभी इस तरह की कंडीशन रिजॉल्व होगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर द टुडे. थैंक यू.